इस वीरान आइलैंड को ढूंढ कर तो सर आपने वाकई कमाल कर दिया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, लंका से लड़कियां उठाकर यहाँ रखने में आसानी होगी और सर इसे एक ह्यूमन बॉम्ब ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। अक्सर आना पड़ेगा आपको सर यहाँ। बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें डोंगरीला एक्सपोर्ट कर दिया जाए और इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। ओह स्वीट, इसे हमारे हैरम में भेज दिया जाए। ये लड़कियां तो बड़े कमजोर दिल की मालूम पड़ती हैं। जी जी जी, इनके चेहरे भी पीले पड़े हुए हैं। इन्हें बेचकर तो हम दलाली भी नहीं खा सकते। इनकी आंखें, किडनीज और दिल निकालकर बाजार में बेच दिए जाएं, ओके? सर इनकी हड्डियों का क्या होगा, पहले से ही ढेर लगा है। इनकी हड्डियों को मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए दान दे दिया जाए। अरे दानवीर कर्ण की नाजायज दौलत, वाह क्या दान है। इंडियन आर्मी का मेजर कृष्ण राव। कृष्ण गोपियों को कंस से बचाने आया है। डोंग, अपने आप को तू कंस समझता है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। कंस जालिम था, बुरा था, लेकिन भड़वा नहीं था। लड़कियों की दलाली खाने वाला दलाल नहीं था, उनके जिस्म के अंग बेचने वाला जल्लाद नहीं था। भाई वाह, दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह हुए लेकिन आज तक किसी को ऐसी पदवियां नहीं मिली। देखी मेरी देशभक्ति, क्या क्या करता हूं अपने डोंगरीला के लिए, डोंगरीला की जनता के पापी पेट के लिए। पेट पालने के लिए ऊपर वाले ने हर इंसान को दो हाथ दिए हैं डोंग, लेकिन तुझे तो उन हाथों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे शक्ल ही ऐसी दी है किसी भी सर्कस में तुझे जोकर का काम आसानी से मिल जाए। बेवकूफ मेजर, एक गलती तो तू पहले ही यहां अकेले आकर कर चुका है और दूसरी तूने डोंग को जोकर बोलकर कर दी। अगर तू अपने आप को हीरो समझता है तो ए हिंदुस्तानी हीरो, दिखा अपना करिश्मा, बचा इन लड़कियों को इस जोकर से। ये ले। जोकरों से लड़ने के लिए इस हिंदुस्तानी सिपाही के ये हाथ ही काफी। चलाओ गोलियां, चलाओ डोंग के कुत्तों, चलाओ गोलियां, लेकिन याद रहे एक भी गोली मुझे छू कर गई तो तुम्हारे इस जनरल की गर्दन भी टूट कर जमीन पर गिरी पड़ी होगी। अगर मेरी गर्दन पर बल पड़ा तो तेरी भी लाश जमीन पर पड़ी होगी। मैं तो अपनी मौत का दांव लगा चुका हूं डोंग, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू भी अपनी मौत का दांव लगा के देख। बोल अपने कुत्तों को कि चलाए वे गोली, बोल बोल। बच्चों भागो। चल जोकर, तुझे हिंदुस्तानी सर्कस में भर्ती कराता हूं, चल। शेके, खड़े खड़े मेरे मुंह के देख रहे हो, निकल जाओ बच्चों को लेकर। सर आप मेरी फिक्र मत करो, मैं दूसरी बोट में तुमको कवर करता हूँ, आ जाऊंगा। बच्चों को खतरे से निकलना जरूरी है। बट पापा। डॉली गो गो गो। चलो। शाबाश बच्चों, गो गो। चल डॉग चल।